London School of Economics, Harvard University, Oxford University, ये सभी वर्ल्ड के वो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पढ़ने का सपना हर छात्र देखता है। हिंदुस्तान के बिहार राज्य में भी आज से लगभग 1500 साल पहले एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी थी जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों छात्र पढ़ने के लिए आते थे और उसमें एडमिशन ले पाना भी कोई आसान काम नहीं था। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसकी गिनती कभी दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में हुआ करती थी। नालंदा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जिसके बलबूते हम शान से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान कभी विश्व गुरु हुआ करता था। नालंदा ने इस देश की प्राचीन सभ्यता और ज्ञान के भंडार से पूरी दुनिया को रूबरू कराया है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये शानदार विश्वविद्यालय जो कभी भारत की शान था अचानक जलकर राख हो गया? आइए एक्सप्लोर करते हैं नालंदा के गौरवशाली अतीत की कहानी को और साथ ही जानने की कोशिश करते हैं भारतीय इतिहास की उन घटनाओं को जिसकी वजह से नालंदा धीरे धीरे खत्म होता चला गया। नालंदा को मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर के पास बनाया गया था। शुरुआत में इसे बुद्धिज्म पढ़ाने की एक संस्था के रूप में बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इस विश्वविद्यालय में आर्किटेक्चर, मेडिसिन, ग्रामर, मैथमेटिक्स जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाने लगे। इस विश्वविद्यालय में भारत के अलावा दुनिया के कई देशों जैसे कोरिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, पर्शिया और टर्की से करीब 10,000 छात्र पढ़ने आते थे। प्रसिद्ध चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, स्कॉलर और ट्रैवलर ह्यून सैंग और आइट सिंह यहाँ पढ़ने आने वाले उन प्रसिद्ध विद्यार्थियों में से एक हैं जो इस यूनिवर्सिटी से निकले। यही वजह है कि नालंदा के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें इन विद्वानों की उन किताबों से मिलती है जो इन्होंने नालंदा की यात्रा और वहां रहने के दौरान लिखी। ह्यून सैंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना राजा शक्रदित्य ने की, जिन्हें गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। उस समय संस्था के प्रमुख थे आचार्य शीलभद्र, जो एक नामी बुद्धिस्ट स्कॉलर, फिलोसोफर और योग गुरु थे। आचार्य शीलभद्र 7वीं शताब्दी के बंगाल के एक शाही ब्राह्मण परिवार से थे। उन्होंने भारत में अलग अलग जगहों पर रहकर बुद्धिज्म की शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद वो बौद्ध धर्म गुरु कहलाए और बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल आचार्य धर्मपाल के शिष्य बन गए। आचार्य शीलभद्र को बौद्ध धर्म के अलावा वेद, फिलोसफी, मेडिसिन जैसे कई और विषयों में भी महारत हासिल थी। ऐसी और भी तमाम वजहों से वे नालंदा के एकेडमिक प्रोग्राम्स के हेड बनने के साथ साथ 635 ईस्वी में नालंदा महाविहार के चांसलर भी बने। चीनी यात्री ह्यून सैंग भी उसी दौरान 637 ईस्वी में ही नालंदा आए और आचार्य शीलभद्र से योग की शिक्षा प्राप्त की। ह्यून सैंग के अनुसार उस समय नालंदा में 1510 टीचर्स और 10,000 मॉन्क्स थे। हालांकि इतिहासकारों के इन आंकड़ों पर अलग अलग विचार हैं। नालंदा में धर्मगंज नाम की एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी भी थी जिसमें तीन बड़ी इमारतें हुआ करती थी, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। इस लाइब्रेरी में वेद, ग्रामर, लॉजिक, लिटरेचर
एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लॉ, सिटी प्लानिंग, थियोसोफी और फिलोसफी से संबंधित लगभग 90 लाख पुस्तकें और मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। अब सवाल ये उठता है कि इतना विशाल और प्राचीन नालंदा आखिर क्यों और कैसे नष्ट हुआ? तो इसके पीछे कई किस्से और कहानियां हैं, जिनमें से कुछ को हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। कुछ इतिहासकारों और उस दौर के विद्वानों की माने तो सन 1193 के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाकर उसे जला दिया था। वैसे तो बख्तियार खिलजी अवध के एक सेनापति की सेवा करता था, पर अपना खुद का नाम बनाना चाहता था। अपने साथियों के समर्थन और तारीफ से उत्साहित होकर खिलजी ने बिहार में एक किले पर हमला किया और भारी लूट मचाई। उस समय के फारसी इतिहासकार मिनाज-ए-शिराज ने अपने दस्तावेज तबकत-ए-नसीरी में लिखा है कि दिलेर मोहम्मद बख्तियार ने न केवल किले पर कब्जा किया बल्कि बड़ी दौलत भी हासिल की। उसने बड़ी संख्या में पुस्तकों को भी नष्ट किया और वहां मौजूद ब्राह्मणों को मार डाला। निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या और लाइब्रेरी का विनाश कई महीनों तक चला। किताबों के साथ ही सभी इमारतों और मैन्युस्क्रिप्ट में भी आग लगा दी गई। ये तबाही इतनी भयानक थी कि कोई दूसरा शासक विश्वविद्यालय को वापस उसके पहले जैसे रूप में नहीं कर सका, जिसकी वजह से नालंदा से बहने वाली ज्ञान की नदी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इसके अलावा इतिहास के विशेषज्ञों को नालंदा के विनाश के पीछे दो और कारण दिखते हैं। पहला ये कि उस समय खाना पकाने का काम मॉनेस्ट्रीज के अंदर ही किया जाता था। कहा जाता है कि ऐसे ही किसी दिए या मशाल से दुर्घटनावश आग लगी होगी जो पूरे नालंदा को राख कर गई। दूसरी कहानी के अनुसार पाल वंश के राजा धर्मपाल ने एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना विक्रमशिला यानी आज के भागलपुर में की थी। 11वीं सदी से विक्रमशिला के नए विश्वविद्यालय को शाही बजट का एक बड़ा हिस्सा मिलने लगा, जिसके कारण नालंदा विश्वविद्यालय में संसाधनों की कमी होने लगी और धीरे धीरे वो खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। 2016 में नालंदा की आर्कियोलॉजिकल साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। साथ ही नालंदा की शानदार विरासत और मल्टीकल्चरल पास्ट को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद ने इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में मान्यता दी और इसके रेनोवेशन का जिम्मा उठाया। नालंदा विश्वविद्यालय कैसे भारत के शानदार इतिहास का एक हिस्सा रहा है, ये एक मशहूर कविता में बड़ी खूबसूरती से बयां किया गया है। कुमार गुप्त का स्वप्न था मैं, महापुरुषों का संकल्प था मैं धर्माचार्यों का विहार, मुझ में संस्कृति की थी पुकार। मैं धर्म गूंज कहलाता था, मुझ में विज्ञान समाता था, पर अकस्मात एक बार हुआ, मुझको एक द्वेषी निगल गया। निष्प्राण चिन्ह भर शेष बचा, उद्भूत ज्ञान का बल गया, मैं नालंदा मैं नहीं बचा, मैं तिल तिल करता जल गया।